Hello guys. So बच्चा पार्टी, आज हम लोग टोपी शुक्ला की कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। टोपी शुक्ला की कहानी आज आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं। वेलकम ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सभी का बच्चा पार्टी। तो बच्चा पार्टी, आज हम लोग इसी चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं, टोपी शुक्ला को। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा एक बार याद दिला देता हूँ क्या हुआ था टोपी शुक्ला की कहानी में अब तक। तो टोपी शुक्ला और उनका एक दोस्त था इफ्फन, इफ्फन मुस्लिम था, टोपी शुक्ला ऑब्वियसली नाम से क्लियर है, ब्राह्मण थे। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है ना कि इफ्फन मुस्लिम था, लेकिन इफ्फन की जो दादी थी उसकी भाषा और टोपी शुक्ला की भाषा बहुत अच्छी थी, दोनों की भाषा मैच होती थी। तो इफ्फन की दादी से, मतलब जो मुस्लिम इफ्फन है उसकी दादी से के ज्यादा लगाव था किसका, टोपी शुक्ला का। तो टोपी शुक्ला ने एक बार क्या हुआ, ऐसे मजाक मजाक में, घर मजाक तो नहीं बोल सकते, लेकिन खाना खाते समय अपनी मम्मी को अम्मी पुकार दिया। तो जब मम्मी को उसने अम्मी पुकार दिया तो जो टोपी शुक्ला थे उसके घर में कोहराम मच गया कि अरे मेरा लड़का तो भैया मुस्लिम ना हो जाए। और ये सोचकर लोगों ने है ना उसको खूब डांटना और मारना पीटना शुरू कर दिया कि कहीं ये मुसलमान ना बन जाए। अब इतने में क्या हुआ, जो टोपी शुक्ला थे उनका जो एक बड़ा भाई था जिसका नाम था मुन्नी बाबू, तो मुन्नी बाबू ने ये भी बोल दिया कि मैंने तो एक बार इसको एक चिकन शॉप पे ऐसे कुछ खाते हुए भी देखा था। तो ये सोच के माँ और भड़क गई उसकी और पीटने लगी, वो बेचारा बोलता रहा फिर भी कुछ हुआ नहीं। तो अभी तक की कहानी में हुआ कि जो हमारे टोपी शुक्ला है उनकी हो चुकी है ठुकाई और पिटाई, क्योंकि वो भावनाओं में बह के अपनी माँ के नाम को मम्मी की जगह अम्मी बोल गए और हो चुका है यहाँ तक का कांड। अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी और आगे की कहानी अब शुरू करते हैं। ठीक है, तो दूसरे दिन जब वह स्कूल में इफ्फन से मिला तो उसने सारी बात बता दी कि भैया कैसे कैसे हमारी मार पिटाई हुई है। दोनों जुग्राफिया का एक घंटा छोड़कर सरक गए। जुग्राफिया मतलब क्या होता है, ज्योग्राफी जिसको आप लोग बोलते हैं उसको ऐसे जुग्राफिया बोलते हैं ना। और पंचम की दुकान से इफ्फन ने केले खरीदे, पंचम नाम का कोई व्यक्ति है उसके नाम, उसकी दुकान से उन्होंने इफ्फन ने केले खरीदे। बात यह है कि टोपी फल के अलावा और किसी चीज को हाथ नहीं लगाता था, मतलब टोपी फली था जो खाता था, उसके अलावा कोई भी चीज नहीं खाता था बाहर की। अयास ना हो सके ऐसा ना हो सकता एक मिनट सॉरी मैं गलत पढ़ गया, ऐसा ना हो सकता का कि हम लोग दादी बदल लें, ऐसा ना हो सकता कि हम लोग दादी बदल लें, टोपी ने कहा। मतलब टोपी ने कहा देख भाई मेरी दादी है ना पगला गई है, तेरी दादी ठीक है तो भैया तू अपनी दादी मुझे दे दे, मेरी दादी तू ले ले। तोहरी दादी हमरे घर आ जाई और हमरी तोहरे घर चली जाए, मतलब मेरी दादी तुम्हारे यहां चली जाए और तुम्हारी दादी मेरे यहां आ जाए। हमरी दादी तब बोलियो तू ही लोगन को बोलती, मतलब हमरी दादी तब बोलियो तू ही लोगन को बोलती, मतलब मेरी दादी तुम लोगों को कि यहाँ रहने को तैयार भी हो जाएगी। यह नहीं हो सकता, इफ्फन ने कहा, अब्बू यह बात नहीं मानेंगे और मुझे कहानी कौन सुनाएगा, तुम्हारी दादी को 12 बुर्ज की कहानी आती है, मतलब 12 बुर्ज की कहानी तुम्हारी दादी सुना पाएगी, मतलब तुम्हारी दादी इस लायक नहीं है। इन शॉर्ट तू हमें एक ठो दादी ना दे सकते हो, मतलब टोपी इफ्फन को बोलता ज़्यादा तुम दोस्त हो के एक दादी भी नहीं दे सकते। टोपी ने खुद अपने दिल के टूटने की आवाज सुनी, जो मेरी दादी है वो मेरे अब्बू की अम्मा भी तो है, इफ्फन ने कहा। यह बात टोपी को समझ में आ गई। ठीक है, तुम्हारी दादी मेरी दादी की तरह बूढ़ी होगी, हाँ तो फिक्र ना करो, इफ्फन ने कहा, मेरी दादी कहती है कि बूढ़े लोग मर जाते हैं, हमारी दादी ना मरी है। मतलब टोपी कहता है भैया देख तेरी दादी तो मर जाएगी, मेरी दादी ना मरेगी, मतलब टोपी बहुत चिढ़ा हुआ अपनी दादी से, पिटवा दी ना उसकी दादी, उसकी दादी ने क्या कर दिया, सब पोल पट्टी खोल के बेचारे को पिटवा दिया तो बस वो भड़का हुआ है कि सब मर जाएंगे लेकिन मेरी दादी नहीं मरेगी। ठीक है, तो मरेगी कैसे नहीं, यह मेरी दादी, क्या मेरी दादी झूठी है, मेरी दादी बोल रही है सब मरते हैं तो मरना ही पड़ेगा तुम्हारी दादी को भी।
ठीक उसी वक्त नौकर आया और पता चला कि इफ्फन की दादी मर गई। ला इफ्फन की दादी मर गई ले, मतलब वो बोल ही रहा था कि यार, इफ्फन बोल रहा था कि मेरी दादी मर जाएगी, बोली थी कि मैं बुढ़ी होगी मर जाऊंगी, तो देखो इतने में नौकर आ भी गया, बोल भी दिया दादी मर गई। इफ्फन चला गया, टोपी अकेला रह गया। वह मुंह लटकाए हुए जिमनेजियम में चला गया। बूढ़ा चपरासी एक तरफ बैठा बीड़ी पी रहा था और वह एक कोने में बैठकर रोने लगा। ऑब्वियसली इट वॉज अ डिजास्टर्स थिंग फॉर टोपी, क्योंकि टोपी इफ़न की दादी को बहुत प्यार करता था। शाम को वह इफ़न के घर गया तो वहाँ सन्नाटा था, घर भरा हुआ था। रोज जितने लोग हुआ करते थे उससे ज्यादा ही लोग थे, परंतु एक दादी के ना होने से टोपी के लिए घर खाली हो चुका था, जबकि उसे दादी का नाम तक नहीं मालूम था। सोचो, मतलब ऑब्वियसली वो दादी दादी ही बोलता था, दादी के नाम से क्या मतलब है। उसने दादी के 1,000 कहने के बाद भी उनके हाथ की कोई चीज नहीं खाई थी। मतलब अब ऑब्वियसली दादी क्या थी, मुस्लिम थी, और जो टोपी शुक्ला थे ब्राह्मण थे, समझ में। तो दादी बोलती थी बेटा खा लो, लेकिन बंदे ने नहीं खाया। और ये देखो, मैं ऐसे नहीं बोलना चाहता, लेकिन पहले ये बात, पहले के समय में ये बात बहुत ही ऑब्वियस थी कि अगर हिंदू बंदा है तो वो नहीं खाएगा। मतलब इनफैक्ट बात है, देर आर नो डिनायल फॉर इट। ठीक है, शाम को सॉरी, प्रेम इन बातों का पाबंद नहीं होता। टोपी और दादी में एक ही संबंध हो चुका था। इफ़न के दादा जीवित होते तो वह भी इस संबंध को बिल्कुल उसी तरह ना समझ पाते जैसे टोपी के घर वाले नहीं समझ पाए थे। मतलब इतना घनिष्ठ प्रेम हो चुका था दादी और टोपी के बीच में कि मतलब ये, मतलब इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था। जैसे जो टोपी के घर वाले हैं उन्हें ही समझ पाया, उनको लगा ये मुस्लिम फैमिली में कैसे जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुसलमान बन जाए तो बेचारे को पीट दे, ऐसे ही। ठीक है, दोनों अलग अलग अधूरे थे, एक ने दूसरे को पूरा कर दिया था। ये जो सोचो कितनी सटायर है, कहाँ टोपी जो बच्चा है और कहाँ दादी जो अब स्वर्ग सिधार चुकी है। ठीक है, लेकिन क्या लिखा है राइटर ने कि दोनों अलग अलग अधूरे थे, क्योंकि देखो इफ़न की जो दादी थी उसकी बातें भी कोई नहीं समझता था सिवाय टोपी के, और टोपी की बातें भी कोई नहीं समझता था सिवाय दादी के। दोनों प्यासे थे, एक ने दूसरे की प्यास बुझा दी थी, दोनों अपने घरों, देखो क्या ये शब्द देख रहे हो, प्यास बुझा दी थी। दोनों अपने घरों में अजनबी और भरे घर में अकेले थे। गाइस देखो यहां पर है ना, ये जो लिखा है ना लाइन, दोनों ने एक दूसरे की प्यास बुझा दी थी। प्यास बुझा देने का मतलब यह है कि जो आत्मीयता होती है, अटैचमेंट होता है, फीलिंग होती है कि भाई मेरी बात कोई नहीं समझ रहा, दादी समझ रही है, दादी को लग रहा है कि मेरी बात कोई नहीं समझ रहा है तो टोपी समझ रहे, समझ में। तो कितना ये है ना, एक बहुत घनिष्ठ संबंध बताने का प्रयास किया है राइटर ने यहाँ पे। दोनों ने एक दूसरे का अकेलापन मिटा दिया था। वह 72 वर्ष की थी और दूसरा 8 साल का। सोचो, मतलब दादी 72 ईयर्स की थी और अपना जो टोपी है वो 8 साल का है। मतलब नियरली कितने साल का डिफरेंस हो गया, नियरली 64 ईयर्स का डिफरेंस हो गया। समझ में आ रही है, तोरी दादी की जगह हमरी दादी मर गई होती तो ठीक भया होता। मतलब वो बोल रहा है टोपी इफन को कि भैया तेरी दादी की जगह मेरी दादी मर जाती तो कितना अच्छा होता। इफन ने कोई जवाब नहीं दिया, उसे इस बात का जवाब आता ही नहीं था। दोनों दोस्त चुपचाप रोने लगे। ऑब्वियसली उनके लिए ये हो गया कि दादी मर गई, अब क्या करें। ठीक है, टोपी ने 10 अक्टूबर सन 1945 को कसम खाई। 10 अक्टूबर, वही आज ही, आज 10 अक्टूबर ही है। व्हाट अ कोइंसिडेंस, टुडे इज 10 अक्टूबर, दैट इज अमेजिंग। आज हम ही लेक्चर ले रहे हैं तो आज 10 अक्टूबर ही है, 10 अक्टूबर 2020। तो टोपी ने 10 अक्टूबर सन 1945 को कसम खाई कि अब वह किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसका बाप ऐसी नौकरी करता हो जिसमें बदली होती रहती है। समझ में आई, मतलब इसने डिसाइड किया, किसने, टोपी ने डिसाइड किया कि अब मैं है ना ऐसे किसी दोस्त से दोस्ती नहीं करूंगा कि जिसके फादर का ट्रांसफर ही होता रहे। समझ में आई बात, और ये इंपॉर्टेंट भी है ना।
क्यों इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि सीधी सी बात है कि दोस्त है, ट्रांसफर हो जाएगा, फिर कहीं और जगह चला जाएगा, मेरी दोस्ती टूट जाएगी। बचपन में ये चीजें ज्यादा फील होती थी, फैक्ट बात है। क्लियर? चलिए, अब देखो, 10 अक्टूबर सन 45 का यूं तो कोई महत्व नहीं, परंतु टोपी के आत्म इतिहास में इस तारीख का बहुत महत्व। ऑब्वियसली 10 अक्टूबर को कोई बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल तो कुछ है नहीं, लेकिन ये अपने टोपी शुक्ला के लिए हिस्टोरिकल बात है, समझ में? और याद रखना, आज ही के दिन 10 अक्टूबर को 1945 में टोपी शुक्ला ने कसम खाई थी कि वो कोई भी ऐसे दोस्त से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पेरेंट्स का बार बार ट्रांसफर होता रहे। तो अच्छी बात है। तो क्योंकि इस तारीख को इफन के पिता बदली पर मुरादाबाद चले गए और इफन के फादर का भी ट्रांसफर हो गया। इफन की दादी के मरने के थोड़े ही दिनों बाद उनका तबादला हो गया, इसलिए टोपी और अकेला हो गया, क्योंकि दूसरे कलेक्टर ठाकुर हरि नाम के तीन लड़के में से कोई उसका दोस्त ना बन सका। मतलब यह कि जो नए कलेक्टर आए ठाकुर हरि नाम, उनके लड़कों से टोपी शुक्ला की दोस्ती नहीं हुई, और जो इफन था उसके फादर का ट्रांसफर हो गया, तो इफन भी चला गया। क्यों नहीं हो पाई दोस्ती? देखो, डब्बू बहुत छोटा था, बिल्लू बहुत बड़ा था, गुड्डू था तो बराबर, परंतु केवल अंग्रेजी बोलता था। मतलब डब्बू जो लड़का था, जो सबसे छोटा था, वो इतना छोटा था कि उससे दोस्ती ना हो सके। जो बड़ा था वो इतना बड़ा था कि दोस्ती ना हो सके। और जो सेम एज का था वो अंग्रेजी बोलता था। और अंग्रेजी हमरे टोपी भाई साहब को आती नहीं थी, उन्हें तो सिर्फ भोजपुरी आती थी। और यह बात भी थी कि उन तीनों को इसका एहसास था कि वह कलेक्टर के बेटे, और ऑब्वियसली उनको यह भी पता था वो कलेक्टर के बेटे हैं, तो सब चमचागिरी करेंगे। किसी ने टोपी को मुंह नहीं लगाया, और ऑब्वियसली किसी ने टोपी को भाव नहीं दिया, टोपी चल निकल, ऐसा वाला हो गया। माली और चपरासी टोपी को पहचानते थे, जो वहां पे प्यून काम करते थे वो टोपी को पहचानते थे, इसलिए वह बंगले में चला गया। बिल्लू, गुड्डू और डब्बू उस समय क्रिकेट खेल रहे थे। डब्बू ने हिट किया, गेंद सीधी टोपी के मुंह पर आई। उसने घबराकर हाथ उठाया, गेंद उसके हाथों में आ गई। हाउस दैट, हेड माली एम्पायर बोला, जो माली था वो बोला कि आई हाउस दैट। उसने उंगली उठा दी, ठीक है। वह बेचारा केवल यह समझ सका कि जब हाउस दैट का शोर होगा तो उसे उंगली उठा देनी चाहिए, ठीक है। मतलब उसको ये नहीं पता था क्या होता है, लेकिन उसको ये समझ में आया कि अगर हाउस दैट होगा तो बस उंगली उठा दो। हु आर यू, डब्बू ने सवाल किया। बलभद्र नारायण, टोपी ने जवाब दिया। हु इज योर फादर, यह सवाल गुड्डू ने किया। यह सवाल गुड्डू ने कर दिया भाई, हु इज योर फादर, ठीक है। तो इसका क्या जवाब दिया? भृगु नारायण। ए, बिल्लू ने एम्पायर को आवाज दी। ई भृगु नारायण कौन है? मतलब बिल्लू ने पूछा, ई भृगु नारायण कौन है? भृगु को भृगु बोल दिया। एनी ऑफ आवर चपरासीज, अपने कोई चपरासी में से कोई एक है क्या? नहीं साहब, एम्पायर ने कहा, शहर के मशहूर दागदर हैं। दागदर मतलब डॉक्टर नहीं बोलते, दागदर। यू मीन डॉक्टर? डब्बू ने सवाल किया। यस सर, हेड मालिन को जितनी अंग्रेजी आ गई थी उसने बोल दिया। बट ही लुक्स सो क्लमजी, बिल्लू बोला, ही लुक्स सो क्लमजी। ए, टोपी अकड़ गया। तनी जवनिया संभाल के बोलो, एक लप्पड़ में नाचे लगी हो। मतलब जो टोपी था वो भड़क गया, बोला यार तुम समझ क्या रखो, एक कंटाप देंगे तुम नाचने लगोगे ऐसा, है ना? तनी जवनिया संभाल के बोलो, एक लप्पड़ में नाचने लगी हो। ओ यू, बिल्लू ने हाथ लगा दिया, टोपी लुढ़क गया। तो टोपी ने बोल तो दिया, लेकिन जैसे बिल्लू ने हाथ लगाया टोपी लुढ़क गया भाई। फिर वह गालियां भगता हुआ उठा, परंतु हेड माली बीच में आ गया और डब्बू ने अपने अल्सेशन को सुस्कार दिया। अल्सेशन मतलब कुत्ता, उसने डब्बू ने अपने अल्सेशन को सुस्कार दिया, काटना मत करना, ठीक है। और तभी भी वो जाके उसको काट ही लिया। पेट में 7 सुइयां भूकी तो टोपी को होश ठिकाने आ गए, समझ रहे हो? मतलब उसने अपना कुत्ता है ना ऐसे सुस्कार दिया, मतलब उसकी तरफ छोड़ दिया, और जैसे उसने काटा तो टोपी भाई साहब को 7
पेट पे, पहले पेट पे सुइयां लगती थी, आप लोग याद रखना, कभी कुत्ता उत्ता काट लेता था तो पेट में 7 सुइयां लगती थी, फिर उसके बाद 3 सुइयां हो गई, और फिर उसके बाद जाके ये हुआ कि अब तो इंटरमस्कुलर लगा देते हैं, आजकल चल जाता है। और फिर उसने कलेक्टर साहब के बंगले का रुख कभी नहीं किया, परंतु प्रश्न यह खड़ा हो गया कि फिर आखिर वो करे क्या, घर में ले देकर बूढ़ी नौकरानी सीता थी, उसका दुख दर्द समझती थी, तो वह भी उसी के पल्लू में चला गया, और सीता की छाया में जाने के बाद उसकी आत्मा भी छोटी हो गई। समझ में, मतलब नौकरानी के पास जाके बैठ गया, भाई नौकरानी के बाद उसने समझने लगा। सीता को घर के सभी छोटे बड़े डांट दिया करते थे, टोपी को भी घर के सभी छोटे बड़े डांट दिया करते थे। मतलब देखो कनेक्ट कैसा है, तुमको भी डांट रहे हैं, मुझे भी डांट रहे, चलो हम साथ साथ हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। टेक मत किया करो बाबू, टेक मत किया करो बाबू। एक रात जब मुन्नी बाबू और भैरव का दाज करने पर वह बहुत पिटा, तो सीता ने उसे अपनी कोठरी में ले जाकर समझाना शुरू कर दिया। मतलब उसने बोला कि देखो ये बड़े हैं तुमसे, इनकी कोई बात यहाँ वहां मत बताया करो, ये मुन्नी बाबू भैरव बाबू की बातें यहाँ वहां बता रहे हो, उल्टा पिटाई हो रही है तुम्हारी। बात यह हुई कि जाड़ों के दिन थे, मतलब ठंड का समय था, मुन्नी बाबू के लिए कोट का एक नया कपड़ा आया, भैरव के लिए नया कोट बना, टोपी और मुन्नी बाबू का कोट मिला। कोट बिल्कुल नया था, मुन्नी बाबू को पसंद नहीं आया, फिर भी बना तो था ही उन्हीं के लिए, था तो उतरन, मतलब बेसिकली क्या था कि मुन्नी बाबू का जो कोट था वो किसको दे दिया गया, टोपी को दे दिया गया, टोपी को मुन्नी बाबू का कोट मिला, मतलब टोपी को मुन्नी बाबू का। मुन्नी बाबू बड़ो बड़े थे, और ये तो अपने घरों में होते ही है कि बड़े के कपड़े छोटे को मिल जाते हैं, और वो उतरन था। टोपी ने या कोट उसी वक्त दूसरी नौकरानी केतकी के बेटे को दे दिया, वह खुश हो गई। नौकरानी के बच्चे को दे दी जाने वाली चीज वापस तो ली नहीं जा सकती, इसलिए तय हुआ कि टोपी जाड़ा खाए। मतलब यह हुआ कि टोपी ने गुस्से में अपना कोट किसको दे दिया, दूसरी नौकरानी के बच्चे को दे दिया। अब आप बच्चे को दे चुके हो या नौकर को दे चुके हो तो उसे वापस तो लोगे नहीं, तो यह हो गया कि देखो तुमने दिया, अब ठंडी में तुम ही अकड़ो भाई, हम जाड़ा ओड़ा ना खाएंगे, भात खाएंगे, टोपी ने कहा। भात मतलब चावल है ना, चावल दाल। तुम जूते खाओगे, सुभद्रा देवी बोली, आपको यह ना मालूम कि जूता खाया ना जात पहन जात है, मतलब जूता खाया नहीं जाता पहना जाता है, दादी से बदतमीजी करते हो, मुन्नी बाबू ने बिगड़ कर कहा, ताका हम इनकी पूजा करें। वाह यार, आई एम लाइकिंग दिस फेलो। फिर क्या था, दादी ने आसमान सिर पर उठा लिया, राम दुलारी ने उसे पीटना शुरू कर दिया, मतलब समझ लो कुल मिला के बेचारा पिटते रहा। तू 10वां में पहुंच गई बा, सीता ने कहा, तू है दादी से टर्राओ, टर्राओ मतलब भिंडन, केतना ना चाहिए, मतलब तुमको है ना, मतलब तुम क्या 10 साल के हो गए हो और अब तुमको दादी से इस तरह से बहस नहीं करनी चाहिए, किनो तुम्हार दादी बड़ी, कि तुम्हारी दादी तुमसे कितनी बड़ी है। समझ में, सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि वह 10वें में पहुंच गया, परंतु यह बात इतनी आसान नहीं थी। समझ में, 10वें पहुंचने के लिए उसे बड़े पापड़ बेलने पड़े, 2 साल तो वह फेल ही हुआ, और 9वें में तो वह सन 49 ही में पहुंच गया था, परंतु 10वें में वह सन 52 में पहुंचा। देखो मतलब 1949 में भाई साहब 9th में थे, और 1952 में 10th में पहुंचे। समझ लो मतलब पढ़ाई में कितने होशियार थे। जब वह पहली बार फेल हुआ तो मुन्नी बाबू इंटरमीडिएट में फर्स्ट आए और भैरव बाबू 6ठे में। सारे घर में उसे जवान की नोक पर रख लिया, वह बहुत रोया। बात यह नहीं थी कि वह गाउदी था, वह काफी तेज था, परंतु उसे कोई पढ़ने ही नहीं देता था। मतलब ये था कि देखो फेल हो रहा था लेकिन गधा नहीं था, पढ़ने में गाउटी नहीं था लेकिन कोई उसको सपोर्ट ही नहीं कर रहा था। ठीक है, जब वह पढ़ने बैठता तो मुन्नी बाबू को कोई काम निकल आता या राम दुलारी को कोई ऐसी चीज मंगवानी पड़ जाती कि नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती थी।
यह सब कुछ ना होता तो पता चलता कि भैरव ने उसकी कॉपियों के हवाई जहाज उड़ा डाले। मतलब समझ रहे हो, ये एग्जैक्टली ओजस की कहानी है कि कभी नानी ने कुछ काम के लिए भेजा है, कभी मामा ने, कभी मामी ने, कभी मामी के बच्चों ने उसकी कॉपी फाड़ दी या उसका टैब यूज कर लिया या उसके आरुष ने यूज कर लिया। तो ये तो मुझे ये अभी तो ओजस दिख रहा है इस पूरी कहानी में। ठीक है, दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया, तो एक साल ऐसा कांड हो गया, दूसरे साल उस बेचारे को टाइफाइड हो गया, तीसरे साल वह थर्ड डिवीजन में पास हुआ, या थर्ड डिवीजन कलंक के टीके की तरह उसके माथे पर चिपक गया। समझ में आई बात? मतलब ये तो ऐसा हो गया कि मतलब हाँ यह देखो थर्ड डिवीजन ऐसा। परंतु हमें उसकी मुश्किल को भी ध्यान में रखना चाहिए। सन 49 में वह अपने साथियों के साथ था, वह फेल हो गया था, साथी आगे निकल गए, वह रह गया। सन 50 में उसे उसी दर्जे के उन लड़कों के साथ बैठना पड़ा जो पिछले साल 8वीं में थे। मतलब समझ रहे हो, बेचारा एक एक साल पीछे जाता जा रहा है। पीछे वालों के साथ एक ही दर्जे में बैठना पड़ा कोई आसान काम नहीं है। उसके दोस्त 10वें में थे और वह उनसे मिलता, उन्हीं के साथ खेलता। अपने साथ हो जाने वालों में से किसी के साथ उसकी दोस्ती ना हो सकी। जब वह जब भी क्लास में बैठता तो उसे अपना बैठना अजीब लगता। उस पर सितम हुआ कि कमजोर लड़कों को मास्टर जी समझाते तो उसको उसकी मिसाल देते। मतलब बोलते थे, अरे देखो तुम अकेले गधे नहीं हो, देखो टोपी भी गधा है, देखो बैठा है ऐसा करके। क्या मतलब है, साम अवतार या मोहम्मद अली, बलभद्र की इसी तरह दर्जे में टिके रहने चाहते हो क्या? देखो, साम अवतार या मोहम्मद अली का क्या मतलब, बलभद्र की तरह इसी दर्जे में, मतलब 10th में ही टिके रहना चाहते हो क्या, आगे नहीं पढ़ना चाहते? यह सुनकर सारा दर्जा, मतलब पूरी क्लास हंस पड़ती। हंसने वाले वे होते जो पिछले साल 8वीं में थे। सही बात है, मैं तुमको बताता हूँ, हमारे साथ ऐसा हुआ था। मैंने शायद ये स्टोरी सुनाई थी तुमको कि हमारे साथ दो लोग पढ़ते थे। एक्चुअली हमारे बैच में था धीरज पाठक, धीरज। तो जैसे हम लोगों के साथ पढ़ता था धीरज, है ना, और उसका बड़ा भाई था नीरज। अब हुआ क्या, धीरज फेल हो गया और नीरज भी फेल हो गया, तो ही बिकेम आवर क्लासमेट। नीरज हमारा क्लासमेट बन गया, ये हमारा जूनियर बन गया। फिर नीरज ऑब्वियसली हमारा सीनियर था, लेकिन उसको ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगता होगा, धीरज को भी अच्छा नहीं लगता होगा। तो धीरज की हमारी दोस्ती बनी रही, अभी भी हमारा व्हाट्सएप पे ग्रुप है, धीरज इज देयर विद अस। ठीक है, और नीरज से ना कभी दोस्ती थी ना है, ना कोई ऑब्वियसली कोई मतलब नहीं था। तो ये बात यहाँ कनेक्ट इजिली हो सकती है कि आप जिस सेक्शन या स्टैंडर्ड में थे हो, उस सेक्शन में आपकी दोस्ती रहेगी। आप फेल हो गए, बाकी लोग प्रमोट हो गए, तो आपको तो वो नुकसान हो गई। समझ में आई बात? वह किसी ना किसी तरह एक साल जेल गया, परंतु जब सन 51 में भी उसे 9वें दर्जे में ही बैठना पड़ा तो बिल्कुल गीली मिट्टी का लोंदा हो गया। समझ रहे हो, मतलब एक साल तो वो झेल गया कि 8th वाले उसके साथ बैठे हैं 9th में, तो उसने एडजस्ट कर लिया। लेकिन जब वो फिर से फेल हो गया 2 साल लगातार, तो 7th वाले अब उसके साथ आके बैठ गए। और अब तो वो बिल्कुल, मतलब समझ लो, कहता आउट ऑफ माइंड हो गया। अब उसका ना कोई दोस्त रह गया ना कुछ। 8वें वाले 10वें में थे, 8th वाले 10th में चले गए, 7वें वाले उसके साथ आ गए। उनके बीच में वो बहुत अच्छा खासा बूढ़ा दिखाई देता था। समझ लो, सोचो उनको है कि बहुत बड़े हुआ के बैठे। वह अपने भूरे 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 पूरे घर की तरह अपने स्कूल में भी अकेला हो गया। मतलब जैसे घर में अपने अकेला था वो, वैसे स्कूल में भी अकेला हो गया, दोस्त कहीं से कहीं तक नहीं बचे। मास्टरों ने उसका नोटिस लेना बिल्कुल ही छोड़ दिया। कोई सवाल किया जाता तो जवाब देने के लिए वह भी हाथ उठाता तो मास्टर उसके जवाब ना पूछता। परंतु जब उसका हाथ उठाता ही रहता तो एक दिन अंग्रेजी साहित्य के मास्टर साहब ने कहा, मतलब उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देते, कोई क्वेश्चन भी अगर वो आंसर करना चाहे तो नोबडी इज गिविंग रिस्पॉन्स टू हिम। 3 बरस से यही किताब पढ़ रहे हो, तुम्हारे तो सारे जवाब जवानी याद हो गए होंगे। इन लड़कों को अगले साल हाई स्कूल का इम्तिहान देना है, तुमसे पार साल पूछ लेंगे। समझ में आया? मतलब मास्टर जी ने कहा कि देखो तुम तो 3 साल से यही बुक पढ़ रहे हो, अब तो तुम्हें हर चीज याद हो गई है, तो इन बच्चे जो अभी तुम्हारे साथ बैठे हैं 7th वाले, जो अब तुम्हारे साथ 10th में आ गए हैं, तो इनको क्या है, एग्जाम देना है। तुमको कहाँ जाना है, तुम फिर से अगले साल इसी स्टैंडर्ड में रहोगे तो तुमसे हम अगले साल पूछ लेंगे, चिल करो तुम। टोपी इतना शर्माया कि उसके काले रंग पर लाली दौड़ गई। मतलब समझो,
वो काले रंग का था, उस पर लाली दौड़ के मतलब भड़क भी गया और गुस्सा भी हो गया ना। और जब तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े तो वह बिल्कुल मर गया, मतलब एकदम डाउन हो गया, डिप्रेस हो गया, जैसे जितेश हो जाता है ना कई बार अपने साथ। जब वह पहली बार नवे में गया था तो वह भी उन्हीं बच्चों की तरह बिल्कुल बच्चा था। जब वो पहली बार 9th में गया था तो वो भी बच्चा था, वो बड़ा हो गया, सब लोग पास होके चले गए, वही पढ़ा रह गया, समझना। फिर उसी दिन अब्दुल वहीद ने रिसेस में वह तीर मारा कि टोपी बिलबिला उठा। वहीद क्लास का सबसे तेज लड़का था, मॉनिटर भी था, और उस और सबसे बड़ी बात यह है कि वह लाल तेल वाले डॉक्टर शरफुद्दीन का बेटा था। अच्छा, जो लाल तेल बना के बेचते थे वो शरफुद्दीन का बेटा था, समझ में। ये भी डॉक्टर के बेटे, वो भी डॉक्टर का बेटा। उसने कहा, बलभद्र, अबे तो हम लोगन में का घुसता है। बलभद्र, बलभद्र मतलब एक जगह टिक गया वो। एट वालन से दोस्ती कर, मतलब एट वालों से दोस्ती करो, हम तो 7th वाले हैं, हम लोग तो निकल जाएंगे, बाकी तू है इन्हीं सबन के साथ रहे को होइयो, मतलब रहे होइयो मतलब तुम इन्हीं के साथ रहोगे, हम लोग तो पास होके निकल जाएंगे, तुम यही रह जाओगे। यह बात टोपी के दिल के आर पार हो गए और उसने कसम खाई कि टाइफाइड हो या टाइफाइड का बाप हो, उसे पास होना है, समझ में। कुछ भी हो जाए उसे पास होना है। परंतु बीच में चुनाव आ गए, डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले खड़े हो गए। अब जिस घर में कोई चुनाव में खड़ा हो जाए उसमें कोई पढ़ लिख नहीं सकता। अब देखो फिर से पंगा हो गया बेचारे के साथ। पहले तो कोई उसको पढ़ने का टाइम नहीं देता था तो फेल हो गया, दूसरी बार टाइफाइड हो गया तो फेल हो गया, अब तीसरी बार बेचारा सोचा पास हो जाऊं तो उसके बापू चुनाव में खड़े हो गए। वह तो जब डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हो गई तब घर में जरा सन्नाटा हो। जमानत जब्त हो गई मतलब इतने वोट भी नहीं मिले जितने मिलने चाहिए, तो जो जमानत रखी थी वो तक जब्त हो गई। और टोपी ने देखा कि इम्तिहान सिर पर खड़ा है, वह पढ़ाई में जुट गया, परंतु ऐसे वातावरण में कोई कहाँ पढ़ सकता है, इसलिए उसका पास ही हो जाना बहुत था। वाह, दादी बोली, भगवान नजरे बद से बचाए, रफ्तार अच्छी है, तीसरे बरस तीसरे दर्जे में पास तो हो गए, मतलब 3rd ईयर में 3rd डिवीजन पास हो गए। ये बोल के दादी उसको और व्यंग मार रही थी। सो गाइज, दिस वॉज द चैप्टर, और टोपी शुक्ला फाइनली पास हो गए। पूरी कहानी आपने टोपी शुक्ला की देख ली, बहुत प्रश्न वगैरह है आप खुद कर लेना क्योंकि द चैप्टर इज एब्सोल्युटली ओवर। सो बच्चा पार्टी, मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में और एक और कहानी लेंगे, एक और चैप्टर लेंगे। सो दिस चैप्टर इज ओवर। एवरीवन मेक नोट ऑफ इट, आप अपने नोट्स बना लीजिए, कोई दिक्कत है तो आप चेक कर लीजिए, एंड गो टू द की लैब एंड मेक योर ओन सॉल्यूशंस, ठीक है। सब कुछ वहाँ अपलोडेड है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में बच्चा पार्टी, अंटिल देन।